गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश 2। चैप्टर नंबर है 4, प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन सेम 1 में ऑलरेडी आपने सीख लिए हैं। ये प्रीपोजिशन का रिवीजन हो रहा है, सेम 2 चल रहा है हमारा। ओके, तो प्रीपोजिशन से उसका एक्सप्लेनेशन हमने, कुछ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, ओके, कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, क्यों प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में हमने लर्न कर लिया है। आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि बहुत सारे प्रीपोजिशन है, उसका मीनिंग है वो सेम हो रहा होता है, लेकिन उसका यूज है वो अलग अलग। जैसे कि फोर और सीन्स है, तो सीन्स है वो किसके बिफोर आता है, फोर किसके बिफोर आता है। तो कोई भी पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम फोर यूज करेंगे, और पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो तो हम सीन्स यूज करते हैं। फिर इन है, ऑन है, तो जैसे डे का नेम हो तो हम ऑन लिखते हैं, ईयर हो, मंथ हो तो इन आता है। वो सब हमने देख लिया था, आप एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसमें भी आपको क्या करना है, तो सुटेबल प्रीपोजिशन से आपको फिलअप करना है। तो फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल प्रीपोजिशन सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन अबव। ओके, तो मैंने आपको सभी प्रीपोजिशन का लिस्ट है वो लास्ट वीडियो में दिया भी था। अभी भी हम सभी जो प्रीपोजिशन का जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिससे आपको रिवाइज भी हो जाए, याद भी आ जाए, और आपको फिलअप करने में उसको आपको यूज भी कर सको। ओके, तो हम यहाँ पे प्रीपोजिशन है वो लिख देते हैं, 8/4 फ्रॉम इन, ऑन, ओवर, अंडर, आउट, थ्रू, इन, सिंस, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अप, विद, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, फिर है अमंग, अक्रॉस, अबाउट, प्रीपोजिशंस। ओके, तो प्रीपोजिशंस की हेल्प से आपको फिलअप करना है। पहले है हम्प्टी डम्प्टी सैट, ब्लैंक, अ वॉल, वेरी इजी है ना। हम्प्टी डम्प्टी बोल के कहाँ पे बैठेंगे, क्या आएगा, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, क्या आएगा, ऑन। ओके, फिर है लिटिल जैक हॉर्नर सेट,
ब्लैंक अ कॉर्नर, तो क्या आएगा कॉर्नर है तो कॉर्नर के ऑन तो बैठेगा नहीं, इससे क्या नहीं बैठना, कहा कॉर्नर के इन आता है, इन कॉर्नर एक कोने में है ना। नेक्स्ट है माय सिस्टर इज फॉन्ड ब्लैंक स्वीट्स, अब यहाँ पे कोई भी ब्लैंक में फॉन्ट दिया गया है तो ऑलवेज फॉन्ट के साथ ऑफ आता है, ओ एफ ऑफ, ओके। तो इसमें ऐसे हम ये वाला ऑफ यूज करेंगे, फॉन्ट ऑफ है ना, तो क्या आएगा माय सिस्टर इज फॉन्ट ऑफ स्वीट्स, ओके। तो फॉन्ट के साथ ऑलवेज कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ऑफ। नेक्स्ट इज फेब्रुआरी कम्स ब्लैंक जनवरी, ओके। तो फेब्रुआरी है वो जनवरी के कहां पे आता है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, बिफोर आफ्टर यूज करेंगे। तो फेब्रुआरी है वो जनवरी के आफ्टर आता है, तो क्या आएगा यहाँ पे कम्स आफ्टर जनवरी है ना, फेब्रुआरी कम्स आफ्टर जनवरी। नेक्स्ट नंबर फाइव पे है ब्लैंक द स्टॉर्म कम्स द काम, ब्लैंक द स्टॉर्म कम्स द काम, तो इसमें क्या आएगा कि कोई भी तूफान आने वाला, उस ऐसे कहावत है ना कि ये जो शांति है वो तूफान के पहले की शांति है ना, तो बिफोर द स्टॉर्म कम्स द काम, कोई भी तूफान आने वाला हो उसके पहले क्या रहता है, शांति रहती है, काम रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा बिफोर, बिफोर द स्टॉर्म कम्स द काम, ओके। नेक्स्ट है नीति, उससे पहले ये जो फाइव ब्लैंक्स है वो आप लिख लो, उसके आगे की ब्लैंक्स से मैं रफ करके लिख रही हूं। नेक्स्ट नंबर सिक्स पे है नितिन इज ब्लैंक चार्ज ऑफ द ऑफिस, तो यहां पे आप देख सकते हो कि चार्ज है तो चार्ज के पहले आता है, चार्ज के साथ आता है इन, क्या आता है इन चार्ज, क्या आएगा इन चार्ज ऑफ द ऑफिस। नंबर सेवन पे है द प्रिंसेस सेट द थ्रोन, सेट ब्लेम द थ्रोन, ओके। तो प्रिंसेस है वो थ्रोन के कहां पे सेट करेंगी, थ्रोन यानी क्या होता है सिंहासन है ना, जो राजगादी होती है वो, तो उस सिंहासन के ऊपर बैठा जाता है, इसलिए क्या आएगा ऑन द थ्रोन आएगा, ओके। ही हेल्ड द अम्ब्रेला, ही हेल्ड द अम्ब्रेला ब्लैंक माय हेड, तो अम्ब्रेला है वो हेड के ऊपर
यानी कि ऑन या ओवर क्या आएगा? तो यहाँ पे कुछ थिंग्स को टच करके कुछ थिंग्स ऊपर ऐसे रखी गई हो, जैसे कि मेरे हैंड्स के ऊपर ये चॉक रखा है तो ये उसके ऊपर पड़ा है, इसको हम ऑन बोलेंगे। लेकिन उसको थोड़े ऊपर हो यानी दो के बीच में थोड़ी जगह हो तो हम उसको ओवर बोलेंगे। जैसे कि फैन होता है, हमारे हेड के ऊपर फैन होगा तो फैन है वो ओवर माय हेड, क्या आएगा? ओवर माय हेड आएगा, क्योंकि वो हेड को टचो टच फैन नहीं होता है इसीलिए। तो यहाँ पे अम्ब्रेला है वो हेड के ओवर आएगी, ऑन नहीं आएगी, है ना? अम्ब्रेला है और हेड के थोड़ी ऊपर होती है ना, इसीलिए ही हेड द अम्ब्रेला ओवर माय हेड। द ओल्ड मैन रेस्टेड ब्लैंक अ सैंडी ट्री, तो रेस्ट करना है ट्री के नीचे, रेस्ट करेंगे है ना, क्या आएगा? अंडर अ सैंडी ट्री। ओके, नेक्स्ट हम देखे तो हु लुक्स द पुअर गर्ल, कहाँ पे होगी तो क्या आएगा? बीस
बाजू में या फिर एक्रॉस द रोड, ओके। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्रॉस, ओके। बिसाइड भी लिख सकते हैं, ही हर्ड अ नॉक बैक द डोर, तो यहां पे क्या आएगा, ही हर्ड अ नॉक ऑफ द डोर, किसका नॉक, डोर का नॉक, इसलिए यहां पे आएगा ऑफ द डोर। नेक्स्ट है व्हेन डिड ही लीव कलकत्ता, ओके। तो यहां पे है कलकत्ता के लिए कब लीव किया, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, फोर कलकत्ता, है ना, कलकत्ता के लिए, फोर यानी किसी के लिए, है ना। द मिलर वर्क हार्ड, द मिलर वर्क हार्ड ब्लैक मॉर्निंग ब्लैक इवनिंग, कोई भी आपको दो टाइम्स दिए गए हो तो फ्रॉम टू यूज करना है, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ओके। और नंबर 17 और लास्ट इज ही आस्क्ड मी ऑल, ही आस्क्ड मी ऑल ग्लेन माय ट्रिप टू कश्मीर, ओके। तो यहां पे क्या आएगा, कश्मीर के ट्रिप जो ट्रिप थी उसके बारे में, है ना। तो ही आस्क्ड मी ऑल अबाउट, उसके विषय में, अबाउट यानी उसके बारे में, उसके विषय में, है ना, अबाउट माय ट्रिप टू कश्मीर, ओके। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 है वो फिनिश हो रही है, टोटल 17 सेंटेंसेस है, ब्लैंक्स है, आप अपनी बुक में लिख लो, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। Now it is the exercise number 2, fill in the blanks. This fill up is also from suitable preposition, okay. Here are the brackets, with, to, from, on, in, against, of, at, under and for, okay. So blank number 1 is I am proud my school, I am proud my school। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 में दिखा कि फंड है, तो फंड के साथ
अब नेक्स्ट है इसके साथ भी कॉमनली कौन से भी प्रीपोजिशन यूज होते हैं, तो नेक्स्ट टू ही उससे हाउस से नेक्स्ट ही मेरा हाउस है। ओके नेक्स्ट है आई वेटेड ब्लैंक हिम, अब वेटेड है तो क्या आएगा, ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम, ब्लैंक द स्टेशन, ओके ट्रेन वन ब्लैंक, थ्री ब्लैंक इन वन ब्लैंक, आई वेटेड फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द स्टेशन, यहाँ पे एट आएगा क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस का नेम दिया है, सो और लॉन्ग टाइम के लिए उसके लिए है ना, या तो फिर विथ हिम भी लिख सकते हो, आई वेटेड विथ हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वेटेड के साथ मोस्टली फॉर यूज होता है, आई वेटेड फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द स्टेशन। ओके नेक्स्ट है नंबर फोर पे, द सिचुएशन इज नाउ ब्लैंक कंट्रोल, ब्लैंक 3 o'clock, तो क्या आएगा, डे का नेम है तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ऑन संडे और फिक्स टाइम, टाइम है वो परफेक्ट टाइम दिया है तो क्या होगा, एट आएगा, क्या आएगा एट 3 o'clock। ओके नेक्स्ट है His friends were annoyed blank. Okay. His friends were annoyed by him. Okay. यहाँ पे annoyed हुए हैं by him आएगा, क्या आएगा by him.
यहाँ पे क्या आएगा, फोर थेफ्ट, ओके, उसने चोरी की, उसके लिए वो गिल्टी था. आई एम ग्रेटफुल ब्लेस यू, ग्रेटफुल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, ग्रेटफुल टू, ओके, ब्लेम योर हेल्प टू यू, ब्लेम योर हेल्प, हेल्प के लिए, के लिए यानी क्या आएगा, फॉर योर हेल्प, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प. नेक्स्ट इज द ड्राइवर वॉज फाइन, driver was fine, blink race driving, यहां पे भी क्या आएगा, race driving के लिए driver को fine भरना पड़ा, ओके, तो यहां पे के लिए यानी for race driving. नंबर 12 पे है, गुड हेल्थ इज एसेंशियल, ब्लैंक सक्सेस इन लाइफ, लाइफ में सक्सेस के लिए लाइफ. नंबर 13 पे है, आई एम टेरिबली अफ्रेड, अफ्रेड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, ओके, अफ्रेड ऑफ क्या आएगा, ऑफ, अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. नंबर 14 पे है, आई बिलीव ब्लेम गॉड, ओके. एंड 16 नंबर पे द लास्ट प्लेन इज द बॉय हैज नॉट यूज रिकवर, ब्लैंक हिज इलनेस, तो यहां पे क्या आएगा, फ्रॉम हिज इलनेस, क्या आएगा, फ्रॉम कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन देखेंगे, तब तक आपने ये जो एक्सरसाइज है उसकी
की प्रैक्टिस भी घर पे करते रहना है और फुली एक्सरसाइज है वो लिख लो अपनी बुक में।